हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज हम बनाएंगे कद्दू का हलवा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत कम सामान के साथ बनकर तैयार हो जाता है। कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे व्रत में खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगी कैसे कद्दू का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं कद्दू का हलवा। कद्दू का हलवा बनाने के लिए देखिए, हमने कद्दू लिए हैं, बिल्कुल ताज़ा कद्दू है, हरा कद्दू है। कोई भी कद्दू ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइप का आपके पास जैसा भी हो। अगर आपके पास पका हुआ कद्दू हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर इस टाइप से कच्चा कद्दू है तो ये भी ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसका जो ये छिलका है इसे हटा लेंगे, इस छिलके को हम हटा लेंगे और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे कद्दूकस कर लिया, सारे कद्दू को हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब हलवा बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए देखिए, हमने एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे एक चम्मच शुद्ध देसी घी। देखिए घी पिघल चुका है तो इसमें डालेंगे ये जो हमने कद्दू को कद्दूकस करके रखा है इसे डाल लेंगे। इस तरह से सारे कद्दू को डाल लेते हैं कढ़ाई में, अच्छी तरह से मिला लेते हैं और घी में पका लेंगे कद्दू को। घी में भून लेना हमें इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, इस तरह से चलाते हुए घी में भून लेंगे। देखिए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं कद्दू को घी में भूनते हुए। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालते हैं। ये हमने चीनी ली है 1 कटोरी, इसे डाल लेते हैं। आप चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ के साथ भी कद्दू का हलवा बना सकते हैं और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। साथ में ये हमने मिल्क पाउडर लिया है, इसे डाल लेंगे। हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या आपको पसंद ना हो तो आप इसे नहीं डालिए। मिला लेते हैं इसे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। और चीनी और मिल्क पाउडर को हमें 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है, बाद में हम इसमें दूध डालेंगे। अगर आपको मिल्क पाउडर पसंद नहीं है या आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह खोया भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूध की फ्रेश मलाई हो तो वो डाल दीजिए। हमने मिल्क पाउडर डाला है, मिला लेते हैं। देखिए चीनी डालने के बाद ये गीला हो गया है, अच्छी तरह से पकाएंगे इसे। अभी हमने इसमें दूध नहीं डाला है, पहले चीनी और मिल्क पाउडर के साथ पका लेंगे, बाद में हम इसमें दूध ऐड करेंगे। देखिए चीनी और मिल्क पाउडर डालने के बाद हमने इसे 1.5 से 2 मिनट पकाया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने आधा कप दूध लिया है इसे डाल लेंगे, फुल क्रीम दूध है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है, अच्छी तरह से इस तरह से चलाते रहेंगे और पका लेंगे। दूध, चीनी और मिल्क पाउडर डाला हमने, अब अच्छी तरह से पका लेंगे इसे। इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे, नहीं तो ये चिपकने लगेगा, तली में चिपक जाएगा। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है, चलाते हुए पका लेते हैं। बहुत स्वादिष्ट होता है कद्दू का हलवा, सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसे बनाने में। आप इसे व्रत में बनाकर खा सकते हैं, ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं अगर कुछ मीठा खाने का मन हो, और अगर घर पे कद्दू रखा हो तो इस तरह से आप हलवा बनाकर खा सकते हैं। आप इसे जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, बहुत कम सामान के साथ भी बनकर तैयार हो जाता है। ज़्यादा सामान डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें खोया डालिए, कंडेंस मिल्क डालिए, मलाई डालिए, जो भी डालना है, ड्राई फ्रूट्स जितने डालना है उतने डाल सकते हैं आप इसमें, या फिर सिंपल तरीके से बनाना है तो सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुका है सारी चीज़ों के साथ इसे पकाते हुए। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने सौंठ, लौंग और इलायची का पाउडर लिया है, इसे डाल दिया, मिला लेते हैं अच्छी तरह से। पाउडर हमें बाद ही में डालना है ताकि जो हलवे में खुशबू है वो बनी रहे। अगर हम इस पाउडर को पहले डाल देंगे सारी चीज़ों के साथ पका लेंगे तो जो खुशबू आनी चाहिए हलवे से वो नहीं आएगी, इसलिए इसे बाद में ही डालना है हमें। बस अच्छी तरह से मिला लेते हैं, अब इसे अच्छी तरह से मिला लिया तो देखिए हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ओवर कुक नहीं करना हमें इसे, बहुत अच्छी तरह से कद्दू का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। देखिए आप कितना अच्छा कद्दू का हलवा बनकर तैयार हुआ है, बहुत कम सामान के साथ लेकिन बहुत टेस्टी हलवा बना है। इसे आप व्रत में खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। गार्निश करेंगे काजू और बादाम से। आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, हमने इसमें हलवे के साथ ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से कद्दू का हलवा ज़रूर ट्राई करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।